दिल्ली में पिछले दो दिनों से जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, ऐसे में फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पर है। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के अलग अलग जगहों का है, जहां पर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद पुलिस के जवान चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। दिल्ली से आने वाली हर गाड़ियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के दो दिवसीय दौरे पर थे। कल जो दिल्ली में घटना हुई है, इसके मद्देनजर फरीदाबाद में भी फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पे है। पुलिस आयुक्त महोदय श्रीमान के राव ने निर्देश दिए हैं सभी DCP ACP साहिबान और SHO चौकी प्रभारी को कि वो अपने अपने एरिया में अलर्ट पर रहें, अपनी मैक्सिमम फोर्स के साथ अपनी उपस्थिति रखें और जो भी इस तरह की कोई उपद्रव होता है तो उसको सख्ती से निपटें। हमारी क्राइम ब्रांच और CID व सिक्योरिटी भी इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और जो भी इसमें साथ ही जो हमारी पीस कमेटी हैं उनके साथ भी बातचीत की जा रही है कि इस तरह का कोई माहौल ख़राब ना हो फरीदाबाद में। इसके अलावा अगर फरीदाबाद में कोई किसी तरह का उपद्रव कोई करता है, इस तरह की हिमाकत करता है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ये पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और उसको अवहेलना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे में आज दिल्ली के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साझा हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को सख्ती से निपटने के लिए आदेश दिए। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।